उस्ताद मंजूर किल्लू साहब का नमाज जनाजा जो है ना कब्रिस्तान वाल जा रहा है। उस्ताद मंजूर किल्लू साहब जिस तरह वफात पा गए हैं तो पूरे पाकिस्तान के लोग इतने मौजूद ने, काफ़ी सारे फनकार भी मौजूद ने, तो तमाम अबाब उस्ताद मंजूर किल्लू साहब वास्ते दुआ करो कि अल्लाह ताला उन्होंने बख्शिश फरमाए। दिमाग के सारी कब्र अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, मौला वाका मैं चाहता हूं कि आप मुझे कोई नसीहत फरमा दें। तो इमाम ने पूछा कि पहले बंदे खुदा ये बता करता क्या है? कहने लगा मौला मेरी दुकान है। फरमाया कहाँ पे? कहता मौला चौराहे में, चौक में मेरी दुकान है। फरमाया चौक के अंदर बैठा हुआ कभी तूने किसी जनाजे को देखा है? कहने लगा मौला वाका हर रोज कई जनाजे गुजरते हैं और मैं देखता हूँ। फरमाया जनाजा देखता है फिर भी मुझे आके कहता है कि मैं तुझे नसीहत करूं। जनाजा खुद तुम्हारे लिए एक नसीहत है। और सहाबा कराम का ये तर्ज अमल रहा है कि जब कोई जनाजा देखते थे तो कहते थे, लोगों पुकार पुकार के कहते थे, बंदो अरे अल्लाह के बंदो ये तुम्हारा जनाजा जा रहा है, ये ना समझना कि फुला बंदे का जनाजा जा रहा है, ये कल को तुम्हारा जनाजा होगा। तो हमारे पास आज अमल के लिए वक्त है और आज किसी ने कोई हिसाब नहीं लेना। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम सलावतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बंदा खुदा आज तुम्हारे पास वक्त है, जो करना है कर ले, कल जब हिसाब का दिन होगा फिर तू पछताएगा, कहेगा काश एक दफा दोबारा लौटा जाऊं, लेकिन फिर उस वक्त नहीं होगा। तो हजरत बहलोल दनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े दीवाने अल्लाह के वली गुजरे हैं।
हजरत बहलोल एक मरतबा शहर के अंदर खड़े थे, कुछ लोग गुजरे और लोगों ने तंजियाना आके बहलोल से कहा, बहलोल पागल सा है, दीवाना सा है, यहाँ शहर में तेरा क्या काम है, शहर में क्या कर रहे? मुस्कुरा के कहने लगा, सुलह करवा रहा हूँ। बहलोल, किसकी सुलह, किसके साथ करवा रहे? हजरत बहलोल ने फरमाया, बंदों की सुलह अल्लाह से करवा रहा हूँ। फिर लोगों ने तंज मार के पूछा, बता कहां तक मामला पहुंचा? हजरत बहलोल मुस्कुरा के कहते हैं, वो अल्लाह मान गया है, बंदे नहीं मान रहे। कुछ दिन गुजरे, उसके बाद फिर हजरत बहलोल एक कब्रिस्तान में बैठे हैं। लोगों ने कहा, बहलोल दीवाना है, यहाँ कौन आता है, आओ शहर की तरफ चले। कहता, यहाँ तो कोई किसी की गीबत नहीं करता, यहाँ कोई किसी की चुगली नहीं करता, और सारे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ आ रहे हैं। कहने लगा, अच्छा बैठा जो है तो कर क्या रहे? हजरत बहलोल ने कहा, वही जो काम कल शहर में कर रहा था, बंदों और अल्लाह की सुलह करवा रहा हूँ। बंदों ने फिर तंज मार के पूछा, मामला कहां तक पहुंचा? फरमाया, बंदे मान गए हैं, वो रहमान नहीं मान रहा। तो ऐ बंदा खुदा, तेरे पास तो वक्त है, आज तू जो चाहे कर सकता है। अच्छा बंदा खुदा, कभी आपने इब्तदा के ऊपर भी गौर किया है? कभी देखा है अल्लाह ने तुझे इख्तियार कितना दिया है? हम तो इतराते हैं आज, बड़ा गरूर करते हैं ना, ऐ अल्लाह के बंदे, तेरी औकात, तेरी हसीयत क्या है कि एक पाँव अपनी मर्जी से उठा सकता है, दूसरा पाँव अपनी मर्जी से उठा नहीं सकता। अपनी मर्जी से तू दोनों पाँव नहीं उठा सकता, तेरी ये हसीयत है।
ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਖਲਾਕਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਪੱਕਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚ ਬੱਚਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪ ਯਕੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ।